नमस्कार, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका वर्मा। मनमर्जिया का ट्रेलर रिलीज हो गया है। साल 2016 के बाद अब अभिषेक बच्चन लगभग 2 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में अभिषेक का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। वो सिख की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो वही जो ये फिल्म है, इस फिल्म में तापसी पन्नू मेन लीड में है। उनका जो रोल है, उनके डायलॉग्स काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं। और वही अगर फिल्म में हम विक्की कौशल की बात करें तो वो भी एक नए अंदाज में ही सबके सामने आ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर लोग जो मौजूद है उनसे जानते हैं उन्हें मनमर्जिया का ट्रेलर कैसा लगा। मनमर्जिया का ट्रेलर देखा, ट्रेलर काफ़ी कमाल का है। तापसी पन्नू और विकी कौशल की बहुत अच्छी केमिस्ट्री इस मूवी में देखने को मिल रही है और साथ में इसमें अभिषेक बच्चन भी है। ये 2 साल बाद शायद कमबैक कर रहे हैं, इससे पहले शायद हाउसफुल में थे। तो कुल मिला के मूवी देखने में लग रहा है काफ़ी अच्छी है। ट्विस्टेड लव स्टोरी काइंड ऑफ समझ में आ रही है। उम्मीद करते हैं मूवी भी इतनी अच्छी होगी। मनमर्जी का ट्रेलर देखा, ट्रेलर अच्छा लग रहा है। तापसी पन्नू बहुत ही शानदार लग रही हैं, विक्की भी बहुत शानदार लग रहे हैं। अभिषेक बच्चन थोड़ा सा किरदार जो है उनका कमज़ोर लग रहा है इसमें, और लाजमी सी बात है क्योंकि उनके पास ज़्यादा काम है नहीं, तो उनको जो मिला वो कर लिया। बच्चों के बीच में अभिषेक बच्चन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डायलॉग्स अच्छे हैं, सिनेमा क्वालिटी भी अच्छी होगी। स्टोरी जो है, पुरानी फिल्में हम ऐसी देख चुके हैं बहुत सारी जिनमें ऐसा होता था। कई फिल्में हैं जिनके नाम लेंगे तो स्टोरी उनसे मिल जाती है, जैसे कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ टाइप स्टोरी, उसमें भी अभिषेक बच्चन थे। पुरानी सी स्टोरी है, नए फ्लेवर के साथ है। कुछ बोल्ड डायलॉग भी हैं इसमें। जो लास्ट जो ट्रेलर का एंड हो रहा है वो भी एक बोल्ड डायलॉग है। तो कुल मिलाकर डायलॉग्स अच्छे हैं, पिक्चराइजेशन अच्छा होगा, एक टाइम हम देख सकते हैं। लेकिन अभिषेक बच्चन से उम्मीद, जो उनका जो किरदार है थोड़ा सा और अच्छा होता तो अच्छा होता। बस मनमर्जियाँ का ट्रेलर देखा, अच्छा था। फ्रेशनेस तो नहीं थी, लग रहा है कि वो स्टोरी वही पुरानी लव अफेयर और फिर कोई तीसरा बंदा आ जाता है तब प्यार का एहसास होता है, उस टाइप की मूवी होगी। रोमांस तो दिखाई दे ही रहा है पूरे ट्रेलर में ऑल ओवर। डायलॉग अच्छे हैं, तापसी पन्नू बहुत ही अच्छी अदाकारा के रूप में सामने आ रही हैं और फिर एक बार फिर से उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलेगी। अभिषेक बच्चन जिनका करियर लगभग ख़त्म हो चुका है, क्या पता इस फिल्म से उनको एक नया मुकाम मिल जाए और उनको फिल्म मिलने लगे। विक्की कौशल को संजू में एक बहुत ही अलग अवतार में, बहुत ही सीधे रोल में देखा था और अब इस मूवी में इस तरीके से इतना बोल्ड देखना काफ़ी अच्छा होगा। तापसी पन्नू और विक्की कौशल से उम्मीद की जा सकती है, अभिषेक बच्चन के लिए सिर्फ प्रे ही किया जा सकता है। मूवी की स्टोरी लाइन लेंथ वही पुरानी होगी, लेकिन ये है एंटरटेनमेंट के लिए है, आप वन टाइम वॉच कर सकते हो। ट्रेलर को देखकर फिलहाल ये कहा जा सकता है। मनमर्जियाँ का ट्रेलर देखा, कुछ नया सा तो लगा, काफ़ी फ्रेश लग रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वही पुराना है। ट्रेलर में कुछ खास डायलॉग सुनने को नहीं मिले। हाँ, जो दिख रहा था उसमें लव अफेयर की चर्चा थी, बट ऐसा लग रहा है कि इस तरह की फिल्में हमने पहले भी देखी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऐसी फिल्में ना हो, लीक से थोड़ी हटके हो। और विक्की कौशल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और तापसी पन्नू भी कमाल की अदाकारा हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म में कुछ अच्छा ही किया होगा उन्होंने। अभिषेक बच्चन का किरदार थोड़ा दमदार नहीं है, बट मुझे म्यूज़िक भी काफ़ी पसंद है इस फिल्म के ट्रेलर का। तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी अच्छी होगी। फिल्म का ट्रेलर देखा, काफ़ी अच्छा लगा। सच कहूँ तो लंबे समय बाद किसी ट्रेलर को देखकर ऐसा मज़ा आया है। और तापसी पन्नू का एकदम अलग लुक देखने को सामने मिला है। वो काफ़ी उनके इंटीमेट सीन हैं विक्की कौशल के साथ। इससे पहले उनकी मुल्क रिलीज़ हुई थी जिसमें वकील का किरदार निभाया था। अमूमन वैसे ही रोल वो करती थी, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए वो थोड़ा अलग छाप छोड़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक विक्की कौशल की बात है, वो तो हमेशा की तरह बेहतरीन लगे हैं और उम्मीद करती हूँ कि उनकी एक्टिंग इसमें और ज़्यादा निखर कर सामने आएगी। और जहाँ तक अभिषेक बच्चन की बात है, तो उनके लिए परफेक्ट मूवी है कमबैक करने के लिए। 2 साल बाद वो नज़र आ रहे हैं, तो तीनों की एक्टिंग कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी है। ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लगा, खासकर जो इसमें डायलॉग्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। और जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर है वो है विक्की कौशल। इससे पहले जितने भी उनके रोल्स हैं, मतलब हर फिल्म में अब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा एक्टर जो है बॉलीवुड को मिल गया है। हर मूवी में एक अलग कैरेक्टर, अलग तरह से पोर्ट्रे करना, मतलब सब कुछ अलग। और अब इस फिल्म में टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है उनका, काफ़ी बोल्ड भी है, काफ़ी लुक्स पे भी काफ़ी काम किया है, लैंग्वेज पे भी काफ़ी काम किया लगता है। तो
उनको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और डायलॉग्स तो अच्छे हैं ही, बट अभिषेक बच्चन उस फिल्म में क्यों है ये फिर एक सोचने वाली बात है। उनका करियर कहाँ जा रहा है ये उनको खुद सोचना चाहिए। इसमें भी कुछ खास करने को उनके लिए मिला दिख नहीं रहा है। स्टोरी भी सुनी सुनाई लग रही है, पुरानी फिल्म्स ऐसी हम बहुत सारी देख चुके हैं। खुद अभिषेक बच्चन की फिल्म हम देख चुके हैं, मुझसे दोस्ती करोगी, नहीं शायद ऐसी कोई फिल्म थी ऋतिक रोशन जिसमें करीना कपूर और अभिषेक थे, उसमें भी ऐसा ही था कि लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और बीच में अभिषेक बच्चन आ जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही लग रहा है, तो स्टोरी कुछ अलग नहीं लग रही, लेकिन सिचुएशन देखनी होगी कि सिचुएशन कैसे क्रिएट की गई है, क्योंकि आनंद एल राय हैं इसमें और अनुराग कश्यप हैं, तो उम्मीद है कि सिचुएशन पक्का इसमें अच्छी होगी जो इंटरेस्टिंग होगी देखने में। विक्की कौशल को देखने में इंटरेस्टिंग होगा और तापसी पन्नू जिस एग्रेसिवनेस से इसमें दिख रही है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अभिषेक बच्चन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है कि करने को उनके लिए अब भी इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। फिल्म की तीन बातें बड़ी अच्छी लगी। पहली बात ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म है, दूसरी बात ये कि विक्की कौशल एक बहुत ज़बरदस्त और अलग तरह के अवतार में दिख रहे हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है इस किरदार को भी उन्होंने नए तरीके से अपनाया है। और तीसरी बात, अभिषेक बच्चन लंबे टाइम के बाद दिख रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, स्कोप मिलेगा, एक बार फिर से फ्लोर पे आएंगे तो शायद फिर से कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उन्हें एक बार फिर से मंच मिल रहा है, एक बार फिर से फिल्म मिल रही है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी ट्रेलर देख के लगता है कि हाँ, ये फिल्म बड़ी मज़ेदार होने वाली है, ऐसी फिल्म होने वाली है जिसे इंसान एक बार देखना ज़रूर चाहेगा, लव ट्राइंगल टाइप, और तापसी पन्नू का जो किरदार एकदम बिंदास वाला। अभिषेक बच्चन का एक दो बार मैंने ट्रेलर में देखा, थोड़े उनके अमिताभ बच्चन वाले फील आ रही थी, पापा वाला पूरा फील आ रहा था, देखते हैं आगे क्या होता, लेकिन ट्रेलर अच्छा लगा फिलहाल मुझे। मुझे मनमर्जिया का ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा। दो नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जिस तरह से प्रेजेंटेशन है वो शायद थोड़ा नया होगा। एक्टर्स अच्छे लिए हुए हैं। मुझे स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अभिषेक बच्चन की एक्टिंग पसंद आती है। कुछ कुछ फिल्मों में मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी है, तो मुझे उनसे उम्मीदें हैं। आई डोंट नो उनका करियर ख़त्म हुआ है नहीं हुआ, आई हैव नो क्लू, बट येस मैं ये कहूँगी कि मुझे ओवरऑल फिल्म जो मैं ट्रेलर देख रही हूँ मुझे अच्छा लगा है, तो मैं शायद मूवी देखने जाऊँ। तो देखा आपने आनंद एल राय और अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जिया के ट्रेलर को। दर्शक मिला जुला रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किसी को इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा लगा तो किसी को इस फिल्म के ट्रेलर में काफ़ी कमियां नजर आई। यूँ तो अभिषेक बच्चन से काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी कि वो लंबे वक्त बाद अब फिल्मों में वापसी कर रहे हैं तो उनका रोल काफ़ी दमदार होगा, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उन्हें अभिषेक के रोल से काफ़ी निराशा हाथ लग रही है। तो चलिए अब देखने वाली बात ये होगी जब ये फिल्म रिलीज होगी तो दर्शक इस फिल्म को कितना पसंद करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप जाइए और मनमर्जिया का ट्रेलर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।